प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ धाम से पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 3400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी परियोजना का शिलान्यास किया है, जिसमें गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे सहित जोशीमठ मलारी और माड़ा दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। माड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद गुलामी की मानसिकता से निकलने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों और पूजा स्थलों को दशकों तक आध्यात्मिक यात्रा से दूर रखा गया, सरकार ने श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। संस्कृति के कामों को नफरत से देखा जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने श्रद्धा के केंद्र काशी वाराणसी केदारनाथ बद्रीनाथ को अपने मूल स्वरूप में स्थापित कर उन्हें संजोने और संवारने का कार्य किया है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि उस क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें, इससे उस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी है। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। पीएम साहब जब यहाँ आए तो सारे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और ये खुशी है कि आज पीएम साहब के यहाँ आने पे बर्फ भी पड़ गई और ये है कि सीमांत क्षेत्र के लिए बहुत उचित माना जाता है, बहुत अच्छा शुभ माना जाता है कि बर्फ आ गया और पीएम मोदी भी हमारे यहाँ पहुँच गए, क्योंकि इसके इनके इंतजार में लोग एक हफ्ते पहले से माड़ा गाँव में बहुत उल्लास, माड़ा नीति घाटी माड़ा दोनों गाँव बहुत ही उल्लास में थे और बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों ने मोदी जी का स्वागत भी किया। मोदी जी का जो कार्यक्रम माना में हुआ उससे हमारे माड़ा वासियों को बड़ी उम्मीदें जग गई हैं। मोदी जी के ने जो बताया कि हिमाचल और उत्तराखंड में पर्वतमाला नाम के प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे वो यहाँ पे, और पर्वतमाला का जो कार्य होगा उससे यहाँ के यहाँ इस क्षेत्र की विकास होगा।